हेलो एवरीवन, आज है 22 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 19 रुपये का शेयर है, 0.5% की तेज़ी आज आई है, जबकि आज सेंसेक्स में भाई साहब दमदार तेज़ी थी। ऑलमोस्ट 2000 अंक की तेज़ी आज दिखाई है सेंसेक्स ने। जो अदानी के शेयर कल टूट के बिखर गए थे, आज उसने भी रफ्तार दिखा दी है यहाँ पर। लेकिन यस बैंक का शेयर अगर आप देखोगे तो कुछ खास तेज़ी नहीं आई यहाँ पर, मुश्किल से 0.5% की तेज़ी है। और आज का दिन भी देखो, ऐसा नहीं कि सभी शेयर दौड़े हैं, कुछ कुछ शेयर्स आज गिरे भी हैं। और जहां तक यस बैंक की बात करें, 19 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, एक महीने का ग्राफ देखोगे तो 4% का फॉल है। और डेफिनेटली कोई उतना बड़ा प्राइस रेंज में फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन अगर पिछले 1 साल का अगर हम ग्राफ देखें तो जहाँ था वहीं पर आ गया। इस बीच एक बड़ी रफ्तार हमने देखी ज़रूर थी, ये 20 रुपये से भी नीचे शेयर चला गया था, वहाँ से ऐसी रफ्तार पकड़ी थी कि 32 पे गया था। मेजर फॉल आया, अटेम्प्ट भी करा, फिर गिरा, अटेम्प्ट करा, और जो मेजर फॉल यहाँ पर 1 अगस्त से देखने को मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ये गिर ही रहा है। कहीं पर भी कोई भी सपोर्ट कह लो, बेस कह लो, वो बनता हुआ नज़र यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो फॉल डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये दिखा रहा है, लगातार यहाँ पर फॉल हमें देखने को मिल रहे हैं। और जहाँ तक अपडेट्स के बारे में देखें तो एक छोटी सी अपडेट इस बैंक को लेकर आई है, वो ये है कि इन्होंने पार्टनर करा है वेगा पे के साथ टू प्रोवाइड क्रेडिट लाइन ऑन UPI। UPI पेमेंट जब आप करते हो, आपके पास पैसा नहीं होता है तो क्रेडिट लाइन वगैरह देने का भी काम जो करती है वो यहाँ पर वेगा पे के साथ इन्होंने पार्टनर करा है उसको लेकर। तो देखिए, यस बैंक हैज़ अनाउंस अ पार्टनरशिप विद वेगा पे, जो कि भैया एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है जिन्होंने लॉन्च करा है अपना हाइपर प्लेटफॉर्म कॉल्ड क्रेडिट लाइन ऑन UPI वेगा पे। ये इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है, यस बैंक थ्रू द प्लेटफॉर्म कैन क्रिएट कस्टमाइज क्रेडिट प्रोग्राम्स दैट सूट्स कस्टमर्स नीड। द बैंक कैन डिसाइड वेदर टू ऑफर इंटरेस्ट फ्री और इंटरेस्ट बेयरिंग क्रेडिट, वेदर और नॉट अलाउड द कस्टमर टू पे इट्स इंस्टॉलेशन EMIs वगैरह भी यहाँ पर होगा आपको यहाँ पर, एंड सेटअप रूल्स फॉर द डिफरेंट सिचुएशन थ्रू द इजी टू यूज इंटरफेस। तो अगेन छोटी छोटी अपडेट्स हैं ये, लेकिन फिर भी ठीक ठाक मैं कहूँगा यहाँ पर, उतनी ज़्यादा बहुत बड़ी खबर नहीं मैं कहूँगा इसको, लेकिन हाँ छोटी छोटी अपडेट्स यहाँ पर ऐसी आ रही है। जहाँ तक वॉल्यूम देखे तो ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा के इसके शेयर आज हमें यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इसका जो मार्केट कैप है वो 60,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी में देखिए, बैंक अगर आप देखो तो यहाँ पर ब्रोकरेज की कोई अच्छे खासी कमेंट्री तो नहीं है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज इसके बारे में कमेंट्री करते भी नहीं, कुछ कुछ ब्रोकरेज करते हैं और अच्छी कमेंट्री उनकी नहीं है। इनसाइडर ट्रांजेक्शन 2021 में था, उसके बाद देखने को नहीं मिला है। और जहाँ तक डिविडेंड के बारे में बात करें कि मुझे लगता है कि नहीं पे करेगा ये इतनी जल्दी। और अभी देखो यस बैंक में सिचुएशन अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी यहाँ पर अनिश्चितताएं ज़्यादा है। रीज़न ये है कि जिस यस बैंक को बचाया गया था SBI और बाकी बैंकों के जरिए डूबने से, उनके पास काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, अब उनको एग्जिट देने की तैयारियां हो रही है, लेकिन कोई बहुत बड़ा प्लेयर भी तो आना चाहिए यहाँ पर खरीदारी के लिए, और उसको लेकर ढूंढा जा रहा है। अब पछड़ा ये भी है कि अगर कोई FIs आता है, कोई बाहर का प्लेयर आता है, तो RBI उसको अलाउ करेगा कि नहीं 50% की होल्डिंग, ये भी एक बहुत बड़ा पछड़ा यहाँ पर आने वाला है। तो चीज़ें अनसर्टन यहाँ पर है, क्योंकि जिन बैंकों ने इसको बचाया था लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है, वो जब चाहे इसको इसके शेयर बेच सकते हैं। हालांकि अभी बेच नहीं रहे, क्योंकि SBI का प्लान है कि भैया सारे क्वांटिटी मिलाकर SBI का जो हिस्सा है, बाकी बैंकों का जो हिस्सा है, वो सारा एक साथ किसी एक बड़े प्लेयर को बेचा जाए। हालांकि इसकी कोशिश हो रही थी, लेकिन आज से 6-7 महीने पहले शेयर का प्राइस ज़्यादा था, तब वैल्यूशन भी ज़्यादा था, अब ऑलरेडी प्राइस गिर चुका है, वैल्यूशन भी गिर चुका है, तो इनको प्राइस में और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और यही चीज़ें होती रहती है यहाँ पर। और अगर यस बैंक को लेकर अगर आप देखोगे तो इसका जो पी रेशो 33 का, सेक्टर पी 17 का, महंगा अभी भी है ये इतनी गिरावट के बावजूद। और जहाँ तक फाइनेंशियल देखे तो लास्ट क्वार्टर के नंबर इनके बहुत अच्छे थे, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे थे। अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू थे, 9,225 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने करा था, और 565 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले 3 क्वार्टर के प्रॉफिट भी अच्छे हैं, रेवेन्यू भी अच्छे हैं। उससे पहले के क्वार्टर में क्या था कि रेवेन्यू अच्छे थे, बढ़ रहे थे, लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा था। जैसे कि 7,635 करोड़ के रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 345 करोड़ का प्रॉफिट करा था, लेकिन अगले क्वार्टर में क्या हुआ, रेवेन्यू बढ़ गया लेकिन प्रॉफिट घट गया यहाँ पर। फिर अगले क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ गया, प्रॉफिट हल्का सा ही बढ़ पाया। जो अच्छे नंबर्स इनके इसके देखने को मिले वो मार्च, जून और सितंबर में है, लेकिन अच्छे नंबर्स के बाद प्रॉफिट टेकिंग ही आई है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब इसके रिजल्ट्स हैं, मैंने कहा है कि नतीजे के दिन 5% की तेज़ी आएगी, लेकिन उसके बाद ये गिर जाएगा अगले दिन से, और लगातार गिरावट देखने को मिलेगी उसके बाद, वो देखने को मिला भी है।
तो अच्छी खबर जब भी आती है यहाँ पर भैया बेचने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं यहाँ पर, ये दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारी जो क्वांटिटी है वो लूज एंड्स के हाथ में है, ये जो बेचना चाहते हैं निकलना चाहते हैं यहाँ से, और ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी कि जब भी थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पर आएगी, जिन्होंने एंट्री करी हुई है, जिसको बेचना है, वो बेचने की कोशिश उस लेवल पर करेंगे, जब बड़ी क्वांटिटी बिकने के लिए आएगी तो गिरावट देखने को मिल जाती है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करने जाए तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो तो भैया नहीं है, जो थे राणा कपूर एंड फैमिली वो बेच बाच के निकल लिए, जिन्होंने क्राइसिस के दौरान ये कहा था कि यस बैंक के शेयर वो अपने बच्चे के बच्चों को गिफ्ट में देना पसंद करेंगे, लेकिन उनके इसी स्टेटमेंट के 9-10 महीने में ही सब कुछ बेच बाच के निकल लिए थे वो भी यहाँ से। म्यूचुअल फंड के पास 0.25% का स्टेक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 38.15% का स्टेक है, FIIs यहाँ पर 27% पर बैठे हुए हैं। और देखिए जो भी प्लेयर आएगा यहाँ पर खरीदारी के लिए वो एटलीस्ट 50% से ज़्यादा का ही हिस्सा यहाँ पर लेगा, और SBI और बाकी बैंकों का उतना हिस्सा है ही नहीं, तो कुछ FIIs से भी उनको लेना पड़ेगा। तो देखना ये होगा कि भैया सबको एक साथ जोड़ कर लेकर आना एक वैल्यूएशन के ऊपर, कि थोड़ा सा टफ चैलेंज यहाँ पर ज़रूर होने वाला है SBI के लिए, और कोई आएगा कि भी नहीं वो भी आने वाला वक्त ही बता पाएगा। यहाँ पर रिटेल यहाँ पर की होल्डिंग 22.44% की है, अदर पार्टीज 12.15% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल यस बैंक को लेकर अगर मैं बात करने जाऊँ तो देखिए तेज़ी नहीं है यहाँ पर, जबकि आज भाई साहब 2000 अंक की तेज़ी सेंसेक्स में है, 550 अंक निफ्टी 50 में तेज़ी देखने को मिली है, मिड कैप स्मॉल कैप में तेज़ी है, रौनक है, बैंक निफ्टी भी अच्छी रफ्तार पर है, यहाँ पर वो तेज़ी नहीं है आज। और अगर एक महीने में देखो तो अगर तेज़ी आती भी है ना बीच में, तो वो मुश्किल से 1-1.5 रुपये की तेज़ी आती है, बाद में वो अगेन गिरावट शुरू हो जाती है, और ये कंटिन्यू चल रहा है 1 अगस्त से। बाज़ार तो अक्टूबर से गिरना स्टार्ट हुआ है, ये अगस्त से ही थोड़ा थोड़ा करके गिर ही रहा था ये, और जब भी अच्छे रिजल्ट्स आए थोड़ी बहुत तेज़ी दिखा दी, बाद में गिरावट हमें देखने को मिल जाती है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है मेरे हिसाब से, जब तक स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं आती, जब तक यहाँ पर कुछ चीज़ें कन्फर्म नहीं हो जाती स्पेसिफिकली इनके स्टेक सेल को लेकर, तब तक मेरे हिसाब से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। है तो होल्ड करो, लेकिन आपको लंबा इंतज़ार यहाँ पर करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, और अगर आप यहाँ पर ख़रीदारी भी करते हो तो जो आपका अप्रोच है वो एटलीस्ट 4-5 सालों का होना चाहिए, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी है, अभी भी जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती दूर बैठो तमाशा देखो। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल अगर मैं देखूँ यस बैंक का, तो मुझे लगता है कि वो 15-16 रुपये के आसपास होगा, उसके बाद 11-12 रुपये का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है, तो उस लेवल पर अगर जाता है तो आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।